सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है, और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में जिले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह, याद रखिए दोस्तों, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है। विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में
आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी ये सब आप तय करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहले भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। Zee News.